नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नए कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच 30 दिसंबर को होगी बात। किसान संगठनों के पत्र पर सरकार का जवाब। दिल्ली में गृह मंत्री शाह और पीयूष गोयल के बीच अहम बैठक। नए कृषि कानून के विरोध में 33वें दिन भी सड़कों पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर प्रदर्शन। पीएम मोदी ने फिर नए कृषि सुधार कानूनों को बताया किसान हितेशी। विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। देश की 100वीं किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नए कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा परिसर में मध्य प्रदेश कांग्रेस का मौन धरना। ट्रैक्टर का खिलौना लेकर दिया मौन धरना। पहले विधानसभा घेराव का था कार्यक्रम। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियों को जांचने के लिए देश के 4 राज्यों में शुरू हुआ ड्राई रन। वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचाने की तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है। मध्य प्रदेश पर मंडराए कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में ब्रिटेन से लौटे लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपल। कोरोना वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन वाली कॉल और ऐप डाउनलोड करने से बचे लोग। भोपाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। साइबर सेल करेगी पूरे मामले की जांच। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सौरव गांगुली की भाजपा में एंट्री को लेकर अटकलें तेज। राज्यपाल से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा किया मंच। गांगुली ने बीजेपी में जाने की अटकलों को किया खारिज। कांग्रेस के स्थापना दिवस से पहले विदेश जाने पर घिरे राहुल गांधी। भाजपा ने कसा तंज। बोले शिवराज 9-2-11 हुए राहुल। नरोत्तम ने बताया 55 साल की उम्र वाला बच्चा। स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के गैर हाजिर होने के सवाल से बचती दिखाई दी प्रियंका गांधी। पार्टी नेताओं ने किया बचाव। कहा नानी के घर इटली गए हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र में ईडी के समन पर सियासी संग्राम। पीएमसी बैंक घोटाले में पत्नी को ईडी के समन पर बोले संजय राउत। कहा राजनीति में आमने सामने की लड़ाई हो। यूपीए अध्यक्ष बदलने की शिवसेना की सलाह के बीच दिल्ली दौरे पर शरद पवार। यूपीए के सहयोगी दलों से करेंगे बात। अभी सोनिया गांधी है यूपीए अध्यक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा के नव निर्वाचित 28 विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर के कक्ष में हुआ शपथ ग्रहण। कोरोना के चलते शीतकालीन सत्र को किया गया स्थगित। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाएंगे भाजपा विधायक। 15 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान। विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को पीएम मोदी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली मेट्रो ने मैजेंटा लाइन पर शुरू की देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो। तेजी के साथ हुई शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते की शुरुआत। 380 अंक बढ़ा सेंसेक्स। निफ्टी में भी 123 अंक का इजाफा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा संकट में जेटली ने बड़े भाई की तरह उबारा। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। सर्दी के सितम से सहमा पूरा उत्तर भारत। कड़ाके की ठंड से होगा नए साल का आगाज। मौसम विभाग का अनुमान 3-5 डिग्री के बीच रह सकता है न्यूनतम तापमान। 2020 में सोनू सूद ने कई गरीब और असहाय लोगों की मदद की। इस कार्य को लेकर अपने अनुभव को उन्होंने किताब के जरिए किया साझा। आई एम नो मसीहा नामक किताब में पढ़ने को मिलेंगे इस रियल लाइफ सुपर हीरो के विचार। फिल्म अभिनेता इरफान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस 2021 में होगी रिलीज। फिल्म के निर्देशक है अनूप सिंह। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।